हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमुद। मम्मी की रसोई भाई कुमुद में स्वागत है आपका। आज हम बना लेते हैं कुकर में वेज बिरयानी। बिरयानी बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन आज हम आसान तरीके से कुकर में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मम्मी की रसोई भाई कुमुद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरी और भी सारी रेसिपी देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है, मैंने इस तरह के लंबे लंबे प्याज काट लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और ये मैंने कुछ सब्जियाँ ली है, और उसके बाद मैंने 2 कटोरी चावल लिया है जिसे मैंने धो लिया है। तो धो करके मैंने रख दिया है इसे। तो जब तक हम अपना ये प्रोसेस करेंगे, तब तक हमारा चावल भी थोड़ा फूल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपना कुकर चढ़ा लिया है और इसमें तेल डाल लिया है। तो अब मैं इसे प्याज डालूँगी। तेल को आप अच्छी तरह गर्म हो जाने दीजिए, और उसके बाद आप मीडियम फ्लेम कर दीजिए, फिर इसे फ्राई कीजिए। तो कुकर में ही हम अपने प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। तो जैसे ही स्टेज पे आए, आप फटाफट गैस को बंद कर दीजिए, नहीं तो ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। मैंने अपना गैस बंद कर दिया है और इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब हम अपनी सारी सब्जियों को ले लेते हैं। ये मैंने लिया है थोड़े से बीन्स, थोड़े से गोभी। बीन्स मैंने थोड़ा कम लिया है, गाजर और गोभी बराबर लिया है। और थोड़ा सा ले लिया है मैंने पनीर। और अब मैं इसमें डाल लूँगी दही। तो ये ले लिया है मैंने दही। 2 से 3 चम्मच मैंने अपनी सब्जियों के हिसाब से इसमें दही डाल लिया है। थोड़ा सा डाल लेती हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, और थोड़ा सा डाल लूँगी मैं इसमें मिर्च पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी डाल लूँगी मैं 1/2 चम्मच हल्दी, और फिर मैं डाल लूँगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल लेती हूँ नमक सब्जी के हिसाब से। थोड़ा कम ही डालिए नमक, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें जो हमारा प्याज का ऑयल है, थोड़ा सा मैं उस ऑयल से 2 चम्मच ऑयल डाल लेती हूँ, और इन्हें मिक्स कर लेती हूँ। अब मैंने अपना कुकर चढ़ाया है, और प्याज जिस जो हमने फ्राई किया है उसमें से 2 चम्मच तेल मैंने इसमें छोड़ दिया है, और 1 चम्मच में घी डाल लेती हूँ। और फिर मैं डालूँगी इसमें ये 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, आप इस तरह खोल कर डालिए, और 2 लौंग, 1 छोटी दालचीनी, और 1 तेज़पात। तो इन्हें हम थोड़ा सा हो जाने देते हैं। तो ये हो चुका है। अब हम डाल लेते हैं अपनी मैरिनेट किए हुए सब्जियों को। हमने अपनी मैरिनेट किए हुए सब्जियों को डाल लिया है, और इन्हें हम थोड़ा सा पका लेते हैं, यानी हम इन्हें 40-50% पका लेते हैं। तो इस समय थोड़ा सा फ्लेम आप धीमा रखिए, तेज़ नहीं रखना है हमें। तो आप देख सकते हैं हमारा सब्जी भी थोड़ा सा पक गया है, थोड़ा साइड साइड से ऑयल रिलीज कर दिया है। तो अब हम अपने गैस को कर लेंगे बिल्कुल स्लो, और थोड़ा सा मैं इस पे डालूँगी अपना ये फ्राई किया हुआ ऑनियन, और फिर मैं डालूँगी इस पे थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा पुदीने का पत्ता, और उसके बाद मैं डालूँगी अपने राइस को, जो हमने अपने राइस को धो करके रखा था। तो इसकी लेयर हम लगा लेते हैं। तो ये हमने राइस का लेयर लगा लिया है इस तरह। और अब मैं अपने फ्राई किए हुए ऑनियन का लेयर फिर से लगाऊंगी इसके ऊपर। तो ये हमने ऑनियन का लेयर भी लगा दिया है, और फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा धनिया पत्ता, और फिर मैं डालूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना पत्ता, और थोड़ा सा मैंने केसर दूध में डाल करके रखा है, तो ये मैं डालूंगी। अगर आपके पास हो तो
तो ये डालिए, वरना इसके बिना भी ये बहुत अच्छा बिरयानी बनता है। और उसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा इसके ऊपर घी, तो ये मैंने घी भी डाल लिया है। और उसके बाद मैं डालूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने सब्जी में थोड़ा नमक डाल रखा है, तो थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसके ऊपर नमक। और उसके बाद मैं डालूँगी इसके ऊपर बिरयानी मसाला, तो ये मैंने बिरयानी मसाला भी डाल लिया है। और अब मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, और ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। जिस कटोरी से मैंने चावल ले रखा था उस कटोरी से, इस कटोरी से दो कटोरी चावल है तो डेढ़ कटोरी, तो हम एक कटोरी चावल में डेढ़ कटोरी पानी डालेंगे, तो टोटल ये तीन कटोरी हमारा पानी है। तो इसे मैं डाल लेती हूँ, एकदम इसे आप आराम से डालेंगे। और अब हमें इसे चलाना नहीं है, थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें रोज एसेंस, आपके पास अगर केवरा एसेंस है तो आप केवरा डाल लीजिए, केवरा जल मैं इसमें रोज़ डाल रही हूँ। और अब हम इसे बंद कर लेते हैं, बंद करके इसे मीडियम फ्लेम पे मैं 12 मिनट घड़ी देखकर पकाऊंगी, या फिर आप एक सीटी आने तक इसे पकाइए। तो प्रेशर हमारा निकल गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम खोल लेते हैं इन्हें, तो देखिए देख लेते हैं, तो हमारी बिरयानी हो गई है तैयार, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये थोड़ा सौगी हो जाएगा, तो अभी मैं ये रहेगा फ्रेश। और अब मैं डाल लेती हूँ थोड़ा सा कलर, आप डालना चाहते हैं तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए, बिना कलर का भी है, कलर से थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल लगता है। तो अब मैं इसे इस तरह ढक देती हूँ, और ढक करके 5 मिनट के लिए और इसे बंद कर देती हूँ। इस समय आप अपने चावल को चेक कर लीजिए कितना पका है या नहीं पका है, अगर नहीं पका है तो आप थोड़ा सा पानी डाल करके इसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए और रहने दीजिए, क्योंकि ये 12 मिनट में बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है। तो आप खोल लेते हैं अपने कुकर को और सर्व कर लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है प्लेट, और इसमें निकाल लेते हैं अपनी बिरयानी। तो ये फ्रेंड झटपट से कुकर में बन जाने वाली बिरयानी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे रायते के साथ में सर्व किया है, खीरे का रायता है, और ये मैं लगा लेती हूँ एक धनिया पत्ता और एक छोटे से पुदीने का पत्ता। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये कुकर बिरयानी? पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।